यार कितनी मोटी हो गई है, एक दफा फोन आंदा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं बैंक से बात कर रहा हूँ। मैं क्या करूं भाई, मैम आप अपना डेबिट कार्ड अपडेट कराना चाहती हैं? मुझे क्या फायदा है उससे? कपड़ों मैम इससे आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और ब्रांड्स पे डिस्काउंट मिलेगा। के ब्रांड पे होगा? जी मैम, वेरिफिकेशन के लिए एक कोड आपके फोन में आएगा, आप मुझे बता दें। अभी बताती हूँ। जी भाई लिखें, जी 8258 8258 60। 60। मैम 7 डेज के अंदर आपके डोर स्टेप पे ये कार्ड आ जाएगा। ओके अल्लाह हाफिज। कितना चंगा मुंडा है कसी भाई। चलो फोन शॉपिंग करांगी खुल के। हैं A few minutes later. 40,000 कट गया अकाउंट तो? 50,000 और कट गया। अरे मैं कहीं, अरे मैंने बचाओ, अरे मैंने पढ़ो, अरे उतर, अम्मी उतरेगी है, अम्मी हुआ क्या? अरे अम्मी ना जाए, अम्मी अभी ना अम्मी जाए, अम्मी अभी ना जाए, कितने जा रही हो ये, अम्मी हुआ क्या? अकाउंट के पैसे कटी जा रहे हैं, ये वो फ्रॉड हो गया है। अम्मी अभी ना जाए, अरे मैं नहीं जानती भाई, पैसे जाने पाने। इस टाइम पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया की दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो स्कैम्स किए जा रहे हैं वो ओटीपी के जरिए से किए जा रहे हैं, वन टाइम पिन के जरिए से किए जा रहे हैं। ओटीपी का काम ये होता है कि आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये पासवर्ड के अलावा ओटीपी से भी ओपन किए जा सकते हैं। जैसे कि आप अपने फेसबुक का पासवर्ड भूल गए, आप फॉरगेट करेंगे, आपके ईमेल एड्रेस या फोन नंबर पर आपको एक कोड आएगा जो कि वन टाइम पिन होगी, और वो पिन जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको यहाँ पे न्यू पासवर्ड की ऑप्शन मिल जाएगी। आप फेसबुक पे या व्हाट्सएप जो भी आप लॉग इन करना चाहें उसमें आप लॉग इन कर, और ये आपके फोन की तमाम एप्लीकेशन, सोशल मीडिया के तमाम एप्लीकेशन के अंदर ये यूज में आता है। इवन कि आपके बैंकिंग ऐप्स, कोई भी ऐप आपने बस फोन उठाना है तो आप समझ लें कि फोन की दुनिया के अंदर ओटीपी एक ऐसी चीज है कि जो इतनी बेसिक चीज है जिसके बारे में अवेयरनेस पाकिस्तान के अंदर लोगों को नहीं है। और ये वीडियो आपने लोगों को शेयर करके उनको अवेयरनेस देनी है कि ओटीपी के बारे में एक फुल स्टॉप आपके जहन में होना चाहिए कि ओटीपी किसी को भी नहीं देना, किसी सगे रिश्तेदार को भी नहीं देना, अपने सगे बेटे को भी ओटीपी आपने नहीं सेंड करना। पाकिस्तान में दो किस्म के लोग आते हैं, पहले नंबर पे वो जिनको पता ही नहीं होता ओटीपी क्या होता है, उनको पता ही नहीं ओटीपी से उनको क्या फर्क पड़ेगा, और दूसरे नंबर पे वो लोग जिनको ओटीपी का पता होता है कि ओटीपी नहीं देना। अब जो पहले नंबर के लोग हैं उनके लिए तो फुल स्टॉप है ओटीपी, वन टाइम पिन, जो आपके फोन पर मैसेज आता है या ईमेल एड्रेस पर मैसेज आता है वो आपने किसी को नहीं देना, उनके लिए फुल स्टॉप। दूसरे नंबर पर जो लोग आते हैं जो ये कहते हैं जिनको पता है कि ओटीपी नहीं देना, वो भी आजकल ओटीपी दे देते हैं। वो किस तरह ओटीपी दे देते हैं कि उनको कॉल आती है और उनको इस तरीके से ट्रैप किया जाता है कि वो समझते हैं कॉल उठाते वक्त कि हम बड़े तीसमा खान हैं, हमें पता चल गया स्कैम हो रहा है, हम तो इसमें नहीं फंसेंगे। मैंने ऐसे लोग जो कॉल उठाते हुए कह रहे हैं कि यार देखिए मैं इसके साथ क्या करूँगा, और वो उसके ट्रैप में आकर उसको ओटीपी दे देते हैं। वो बात करने वाला इतना तेज होता है कि वो आपको तरह तरह की बातें करके और ऐसी चीज़ों में वड़गला लेता है कि आप सोचते हैं कि यार मैं दे देता हूँ उसको ओटीपी, और आप ओटीपी दे के वहां पर फंस जाते हैं। और जैसे ही आप ओटीपी देते हैं उसके बाद आप समझ लें कि आपके हाथ से भी आपकी सारी गेम निकल गई। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा व्हाट्सएप है तो ओटीपी के जरिए से कोई व्हाट्सएप लॉगिन कर लेगा, तो जो आपके ओटीपी के जरिए से व्हाट्सएप लॉगिन करेगा वो लॉगिन करते साल आपके व्हाट्सएप को किसी दूसरी डिवाइस से या किसी सर्वर के जरिए से इतने उसके अंदर लॉगिन डाल देगा कि व्हाट्सएप को ये डिटेक्ट होगा कि यूजर के पास, असल यूजर के पास व्हाट्सएप लॉगिन है और कोई बंदा कोशिश कर रहा है इसको गलत लॉगिन करने की। व्हाट्सएप 24 घंटे के लिए नए यूजर के लिए लॉगिन करना ही बंद कर देगा। 24 घंटे बाद अगर आपसे पहले फिर वो हैकर ट्राई करेगा तो वो आपके लिए 48 घंटे और 42 दिनों तक ये चीज चली जाती है, और आगे जाके वो नंबर भी बैन हो जाता है। तो लोग ये समझते हैं कि ओटीपी दे दिया तो देते साल फौरन हम उसको रिकवर कर लेंगे। नहीं, आपने जब ओटीपी दे दिया आप फंस गए, उसके बाद आपको उसने ट्रैप कर लिया, और उसके बाद अगर आप ये सोचते हैं कि मैं इसमें से निकल जाऊंगा वो मुश्किल बात है, क्योंकि वो सबसे पहले ओटीपी लेने के बाद आपसे फ्रॉड करने से पहले कोशिश करेगा कि आपका वापस वहां पर आना दिया वो बंद कर। इससे बचने के लिए सिंपल सी दो चीजें हैं, पहली चीज के एक तो ओटीपी किसी को नहीं देना, और दूसरी चीज के आपको इस तरह की स्कैम रिलेटेड कोई भी कॉल आती है तो आपने उसके साथ टाइम नहीं जाया करना, तीस मार खान नहीं बनना कि मुझे फंसा के दिखाओ। नहीं भाई, पहली फुर्सत में उसके साथ आपने कॉल अपनी बंद करनी है, क्योंकि उसका काम ही सारा दिन लिया, उसने कहीं ना कहीं आपका भोलेपन का फायदा उठा के आपको ट्रैप कर लेना है। ये एक पब्लिक सर्विस मैसेज भी है, इसको लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जिस भी बंदे के हाथ में स्मार्टफोन है उसको ये भी बात पता होनी चाहिए कि ये स्मार्टफोन यूज करने की कुछ अवेयरनेस होती है। तो इस तरह की अवेयरनेस रिलेटेड वीडियोज हम बनाते रहते हैं। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो के इतना ही, अपना ख्याल रखें, अल्लाह। हेलो हेलो माय चेक 1 2 3 हेलो जी मैम, मैं आपको
वेरिफिकेशन कोड सेंड कर रहा हूँ, आप मुझे ओटीपी बता दें। बारह स्टार्ट। भाई मैं तो पहले कहता था मुझे लगा।